जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यू स्टडी 24 के ब्रह्मास्त्र सीरीज के डे 22 टेस्ट का जो है हम आंसर की लेके आए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। डे 22 जो है ये जो है ध्वनि से रिलेटेड टॉपिक है और ध्वनि से रिलेटेड से जो है क्वेश्चन आए हुए हैं वीपीएससी में। और इसके अलावा जो है इसी टॉपिक में जो है हम वेव यानी तरंग से रिलेटेड भी जो है हम क्वेश्चन करेंगे, जो कि जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत अगर हम ध्वनि और वेव, अगर हम साउंड और वेव की तुलना करें तो सबसे ज़्यादा जो है वेव से क्वेश्चन आया हुआ है, तरंग की गति से, चाहे तरंग से जो है यहाँ से जो है क्वेश्चन आया हुआ है। तो ज़्यादा ना देर करते हुए चलते आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन था ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंग होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग। देखिए तरंग जो है दो प्रकार की होती है, पहला एक होता है यांत्रिक तरंग और दूसरा होता है अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग को जो है विद्युत चुंबकीय जो है तरंग भी कहा जाता है। अगर हम यांत्रिक तरंग की बात करें तो यांत्रिक तरंग को भी जो है दो भागों में बांटा गया है, एक बांटा गया अनुप्रस्थ तरंग के रूप में और दूसरा बांटा गया है अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। अगर पूछेगा कि आखिर अनुप्रस्थ तरंग अब क्या है, तो देखिए जब तरंग जो है अपने आगे बढ़ने की दिशा में जो है जब लंबवत कंपन करती है तो उस कंपन को जो है अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। लेकिन जब जो है तरंग जो है अपने आगे बढ़ने की दिशा में पैरेलल वाइब्रेट करती है यानी कि समांतर जो है कंपन करती है तब उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। तो आप बात कर लेते हैं अनुप्रस्थ तरंग के कुछ फैक्ट है। तो देखिए अनुप्रस्थ तरंग जो है ये जो है तरंग केवल जो है ठोस में और द्रव के सिर्फ जो है ऊपरी सतह पर जो है उत्पन्न की जा सकती है और बाकी जगह नहीं की जा सकती। कहाँ पर, तो सिर्फ एक तो ठोस में। अब ठोस क्या हुआ था, जैसे लोहा हुआ, ईंट हुआ, पत्थर हुआ, ये सब ठोस हुआ। और दूसरा जो द्रव, द्रव मतलब क्या, तो पानी हुआ। तो पानी के जो ऊपरी सतह पर जो है उत्पन्न की जा सकती है। अगर बात करें कि यह तरंग जो है क्या गैस में उत्पन्न की जा सकती है, तो नहीं, ये जो है तरंग सिर्फ जो है ठोस और द्रव के ऊपरी सतह पर ही जो है उत्पन्न की जा सकती है। और ये तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग हो सकती है। अब पूछिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, तो देखिए प्रकाश तरंग को जो है विद्युत चुंबकीय तरंग भी जो है कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग जो है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर आप कोई रस्सी पकड़े हुए हैं और उस रस्सी का जो है एक सिरा को अगर किसी खंभे से बांध देते हैं और दूसरे सिरे को पकड़कर जब आप हिलाते हैं तो क्या होता है, आप देखिएगा रस्सी जो है एक सांप की जो है आकार जो होता है उसी प्रकार जो है हो जाता है। मतलब एक देखिएगा कि एक का भाग जो है उठ जाता है तो एक साइड जो है कम हो जाता है। तो जो उठा हुआ भाग होता है उसे जो है सिरिंग कहा जाता है और जो नीचे की ओर जो झुका हुआ भाग होता है उसे जो है गर्त कहा जाता है। अगर वहीं में बात कर दे कि दो सिरिंग और दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो दो सिरिंग और दो गर्तों के बीच की दूरी को जो है तरंग दैर्ध्य कहा जाता है यानी वेवलेंथ कहा जाता है। और इसे जो है लेमडा से जो है प्रदर्शित करते हैं यानी संकेत के रूप में जो इसे दर्शाते हैं। अब बात कर लेते हैं अनुदैर्ध्य तरंग की, तो देखिए ये जो तरंग है सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। अभी हम देखे थे कि अनुप्रस्थ तरंग कहाँ पर उत्पन्न की जा सकती है, ठोस में और द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर। लेकिन अगर पूछे कि अनुदैर्ध्य कहाँ पर उत्पन्न की जा सकती है, तो ये ठोस, द्रव और गैस तीनों जगह पर जो है किसी भी माध्यम में जो है उत्पन्न की जा सकती है। लेकिन अगर संपीड़न की माध्यम में होगा, अब पूछेगा कि संपीड़न क्या हुआ, तो देखिए जब कोई नज़दीक जो होता है उसे जो है संपीड़न कहा जाता है और विरलन मतलब क्या, दूर दूर एक दूसरे से जुड़ा रहता है बहुत दूर दूर की दूरी पर, उसे विरलन कहा जाता है, मतलब बहुत ही कम संख्या। ये अगर जो है संपीड़ित माध्यम में होगा तो क्या होगा, दाब का जो है वहाँ पर जो है माध्यम का दाब और जो वहाँ का जो है घनत्व जो है अधिक हो जाएगा। वहीं अगर विरल माध्यम में रहेगा तो क्या होगा, माध्यम का दाब और घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बात जो है आपको याद रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन है 100 डेसिमल रब का प्रबलता स्तर संगत होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के। देखिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर डेसिबल क्या है, तो वातावरण में जो ध्वनि की तीव्रता जो होती है मतलब किस वेग से जा रही है, कितने स्पीड से जा रही है, तो उसी को मापने के लिए जो है डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको जो है अगर बेल दे दे, पूछेगा कि बेल क्या है, तो देखिए ये जो है डेसिबल जो है जो कि जो है तीव्रता जो मापता है वह जो है बेल का ही जो दसवां भाग जो होता है उसी को जो है डेसिबल कहा गया है। अब बात कर लेते हैं
प्रश्न में था कि 100 डेसिबल रब का प्रबलता स्तर, तो देखिए हम कुछ जो है प्रबलता स्तर जो है उसको जो है हम बता देते हैं, आपको याद रखना है। देखिए जब कोई व्यक्ति एक दूसरे से फुसफुसाहट के साथ जो बातचीत करेगा तो उस समय जो है उसकी जो डेसिबल में जो है उसकी तीव्रता होती है कितना, तो 1520 डेसिबल के बीच में। और अगर जो साधारण बातचीत होगा जैसे हम बात करते हैं नॉर्मल में, न ज़्यादा तेज और न ज़्यादा कम, तो उसका जो डेसिबल में तीव्रता होगा वो हो जाएगा 30 से 40 डेसिबल। वहीं अगर जोर से बातचीत करे कोई व्यक्ति तो 50 से 60 डेसिबल हो जाएगा। अगर गुस्से में बातचीत करे तो वो 70 से 80 डेसिबल के बीच में जो है उसकी तीव्रता रहती है ध्वनि की। अगर वही बात करें कि अगर ट्रक अगर ट्रैक्टर चल रही हो तो वहाँ पर जो 90 से 100 डेसिबल, और अगर कहीं पे कारखाने हो तो वहाँ पे अगर पूछ दे तो 100 से 110 तक। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि 100 डेसिबल रब का प्रबलता स्तर क्या संगत होता है। आपको आंसर देना था यंत्र चाहे कारखाने, और कारखाने में क्या होता है तो मशीन होता है, तो इसलिए इसका आंसर जो डी हो गया था, एक मशीन शॉप से आने वाला शोरगुल। और इसके अलावा कुछ और है जैसे आर्केस्ट्रा का तीव्रता जो है 110 से 120 होता है। वही अगर विद्युत मोटर चाहे मोटरसाइकिल है तो उसका 110 होगा। वही सायरन है तो 110 से 120 डेसिबल होगा। अगर जेट कोई विमान है तो 140 से 150 डेसिबल होगा। अगर जब मशीन गन चलती है तो जो है उसकी तीव्रता जो 170 डेसिबल होती है उसकी आवाज़ की तीव्रता। और वही अगर मिसाइल कोई छूटता है तो उसका डेसिबल जो 180 डेसिबल होता है। तो आपको जो है ये सभी जो है बढ़िया से जो है देख लेना है। अब तीसरा क्वेश्चन है गामा किरणें है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंग। आइए अब हम गामा किरणन की जो कुछ फैक्ट है उसे बता देते हैं। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य का परिसर जो है 10^-14 मीटर से जो है लेकर 10^4 मीटर तक जो है होता है। और इसी में बात किया गया है कि गामा किरणें, तो गामा किरणें का जो है परिसर जो है इसमें जो है 10^-14 मीटर से लेकर 10^-10 मीटर तक जो है। अगर ये बात कर दे कि गामा किरणें की आवृत्ति कितनी होती है तो 10^20 से लेकर 10^18 हर्ट्ज के जो है बीच में होती है। अगर बात करें कि इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है, ज़्यादा होता है या कम होता है, देखिए इसका तरंग दैर्ध्य जो है कम होता है। और इसी तरंग दैर्ध्य के कम होने के कारण जो इसकी वेधन क्षमता क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अगर यहीं पर तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता तो इसका वेधन क्षमता क्या होता, कम हो जाता। इसी वेधन क्षमता का अधिक होने के कारण जो है अगर बात करें तो इसका उपयोग जो है नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में जो है इसका उपयोग किया जाता है। अगर पूछ दे आपको कि गामा किरणें की खोज किसने किया तो आपको याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा हेनरी बेकुरल ने गामा किरण की खोज की थी। अब आइए जब देखते हैं चौथा क्वेश्चन है आंतों के रोगी के निदान में निम्न कारणों का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स किरण का जो है उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। देखिए जैसा कि हम तीसरा नंबर का क्वेश्चन में बताए थे कि विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य परिसर जो है 10^-14 मीटर से लेकर 10^4 मीटर तक होता है। और इसमें अगर बात करें कि इसमें एक्स किरण का कितना होता है, तो देखिए इसमें जो है एक्स किरण का तरंग दैर्ध्य जो है 10^-10 से लेकर जो है 10^-8 मीटर तक जो है इसका होता है। अगर बात करें एक्स किरण की आवृत्ति कितनी है, तो एक्स किरण की आवृत्ति जो है वो जो है 10^18 से लेकर जो है 10^16 हर्ट्ज के बीच होती है। अगर इसका उपयोग की बात करें तो ये जो है चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में जो है इसका उपयोग किया जाता है। वहीं अगर इसकी खोजकर्ता के बारे में बात करें तो इसका खोजकर्ता जो है जर्मन वैज्ञानिक विलहेलम रोएंटजेन जो है इसके खोजकर्ता हैं। देखिए पाँचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें जो है ऋणात्मक आवेश होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा बीटा किरण में जो है ऋणात्मक जो है आवेश होता है। ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत जो है इसका भाग जो है नहीं आता है। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन है दो उत्तरोत्तर सिरिंग तथा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो अभी हम बात कर रहे थे तरंग के बारे में अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, उनमें हम देखे थे कि जब रस्सी जो है उसे जो है हम एक सिरे को बांधकर और एक सिरे से जब हम उसे जो हिलाते हैं तो क्या होता है एक भाग उठ जाता है उसे सिरिंग कहते हैं और दूसरा भाग जो है नीचे झुक जाता है उसे जो है गर्त कहते हैं। तो वहीं पूछा गया कि दो उत्तरोत्तर सिरिंग तथा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो जैसे एक सिरिंग और उसका दूसरा भाग जो होगा दूसरा सिरिंग दोनों के बीच के अगर डिस्टेंस जो होगी उसे जो है तरंग दैर्ध्य जो है कहा जाता है। आइए अब सातवां क्वेश्चन है कॉस्मिक किरणें है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आवेशित कण।
क्या है? तो कॉस्मिक किरणें जो है आवेशित कण है। आइए अब बात कर लेते हैं कॉस्मिक किरणों के बारे में। तो देखिए ये जो है किरणें जो है उच्च ऊर्जा के आवेशित कण है जो कि जो है अंतरिक्ष में जो है प्रकाश की गति से गमन करता है। कहाँ पर? तो अंतरिक्ष में जो है यह प्रकाश की गति से जो गमन करता है। और अगर हम बात करेंगे कि क्या ये विद्युत चुंबकीय तरंग का भाग है, तो ये जो है कॉस्मिक तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का भाग नहीं है। अब आठवां क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की तरंग होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। क्योंकि अभी हम देखे थे कि अनुप्रस्थ तरंग जो है केवल जो है ठोस में होगी और उसके बाद जो है द्रव में होगी, गैस में नहीं होगी। लेकिन जो है अनुदैर्ध्य तरंग जो है वह जो सभी माध्यम में जो है तरंग उत्पन्न की जा सकती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। नवां क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा 3×10^8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। दसवां क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग जो है अधिकतम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा ध्वनि का वेग जो है कहाँ पर अधिकतम होगा ऑप्शन के अनुसार? तो इसका हो जाएगा इस्पात में। देखिए अब हम बता देते हैं कुछ माध्यम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ध्वनि के चाल की दृष्टि से। अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा जो है ध्वनि की चाल किस में होती है, तो सबसे ज़्यादा जो है एल्युमिनियम में होती है। और एल्युमिनियम में कितना होता है? तो 6420 जो है होता है। अगर वही बात करें उसके बाद किन चीज़ों में होती है, तो उसके बाद कांच में होती है, और उसके बाद लोहा जो कि ठोस है उसमें जो है ध्वनि के चाल जो है सबसे अधिक होती है, उसके बाद समुद्र के जल में, उसके बाद जो है जल में, उसके बाद जो है पारा में। ये हम जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहे हैं, घटते क्रम में बता रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर से डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ। उसके बाद जो हाइड्रोजन में, उसके बाद जो है अल्कोहल में, और उसके बाद भाप में, और उसके बाद वायु में, और उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड में। लुसेंट में जो है एक चार्ट दिया गया, उनमें जो है सारे की जो है चाल जो है बता दिया गया है कि इसका वेग कितना है। तो आपको जो है उस तरह के क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा डायरेक्ट, लेकिन आपको जो ऑप्शन में सिर्फ चार ही ऑप्शन रहेगा, तो आपको उसमें जो है तुलना करके जो है आपको जो है इस तरह के क्वेश्चन का जो है आंसर आपको देना है। आइए अब देखते हैं, 11वां क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र परिक्रमण होता है, तो ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे, तो ऑप्शन के अनुसार जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा। अब 12वां क्वेश्चन है, लगभग 20°C के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति जो है अधिकतम रहेगी? तो देखिए 20°C के तापक्रम पर जो है लोहा पर जो है अगर हम किसी चीज को पीटते हैं, तो उसकी ध्वनि जो है सबसे जो है अधिकतम रहेगी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ध्वनि तरंग जो ठोस और गैस जो दोनों माध्यम में चल सकती है। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ था कि निर्वात में चल सकती है, तो देखिए ध्वनि तरंग जो निर्वात में कभी नहीं चल सकती है। बी ऑप्शन दिया था केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, देखिए ध्वनि तरंग जो है सभी माध्यम में जो है चल सकती है। और तीसरा है केवल गैस में चल सकती है, तो देखिए ऐसा कोई बात नहीं है कि गैस में ही सिर्फ चलेगी। और चौथा है ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में, तो हाँ ठोस तथा दोनों माध्यम में जो है ये जो चल सकती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती? तो इसका आंसर ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अनुसार इसका हो जाएगा निर्वात में जो है नहीं आर पार की जा सकती, और वैसे भी जो है ध्वनि जो है निर्वात में जो है नहीं जा सकती है। अब 15वां क्वेश्चन है, म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को क्या करना चाहिए? ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए कोई भी म्यूजिक कंसर्ट अगर किसी हॉल के अंदर जो है म्यूजिक चल रहा है, तो आपको जो है आपको उस तरह से जो है उस हॉल को तैयार करना चाहिए कि वहाँ जो है ध्वनि का जो है अवशोषण होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, तो ध्वनि जो है रिफ्रैक्ट हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, उसके बाद जो है वहाँ पर जो है आवाज़ जो है अच्छा नहीं आएगा, और वहाँ पर जो है इको की तरह जो है गूंजना शुरू कर देगा। इसलिए जो आपको अगर जो है बोले कि म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए हॉल की दीवारों को किस तरह बनाना चाहिए, तो आपको जो है इसका आंसर डी देना होगा, ध्वनि का अवशोषण जो है हो सके उस तरह से जो है आपको जो है उस तरह से बनाना चाहिए। अब 16वां क्वेश्चन है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के बीच मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वो कितना? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए 16.5 मीटर की जो है दूरी से जो है अगर आप बात करिएगा तो आपको जो है अच्छी से जो है सुनाई देगा। अब देखिए 17वां क्वेश्चन है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है, तो देखिए ध्वनि का जो वायु में वेग जो है वो होता है 330 मीटर जो है प्रति सेकेंड जो है होता है।
इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अब 18वां क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर जो है सुन नहीं सकता, क्यों? तो देखिए क्या होता है, तो चंद्रमा पर जो ध्वनि प्रचारित करने के लिए जो कोई माध्यम ही नहीं होता है, इसलिए जो है वहाँ पर जो है आपको क्या है, तो वहाँ पर जो है चंद्रमा पर एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के जो है आवाज़ जो है नहीं सुन पाता है। अब देखिए 19वां क्वेश्चन, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है, मतलब बोल रहा है कि मनुष्य जो है कितने हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकता है। देखिए तो तरंग की जो है आवृत्ति परिसर होती है, और इसके अंतर्गत जो है तीन प्रकार के जो है तरंग होते हैं। एक होता है अश्रव्य तरंग, जो कि 20 हर्ट्ज से जो है नीचे की आवृत्ति वाली जो है होती है, उसे जो है अश्रव्य तरंग कहते हैं। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो आवृत्ति वाली तरंग होती है उसे जो है श्रव्य तरंग कहा जाता है, और 20,000 से जो है ऊपर के तरंगों को जो है प्राश्रव्य तरंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है, तो देखिए मनुष्य जो जिस हर्ट्ज को सुन सकता है अपने कानों के द्वारा, उसकी जो है वैल्यू जो है कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर जो है 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। अगर वही बात करें कि प्राश्रव्य तरंग, तो देखिए जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंग होती है उसे प्राश्रव्य तरंग कहते हैं, और इस तरंग को कौन कौन लोग सुन सकते हैं, तो देखिए इसे जो है मनुष्य नहीं सुन सकता है, और इसमें जो है जानवर जो होते हैं वही जो है इस तरंग को सुन सकता है, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चमगादड़ हो गया, इस तरह के जानवर जो है उसे जो है सुन सकते हैं। और अश्रव्य तरंग जो है इसे भी जो है मनुष्य नहीं सुन सकता, क्यों? क्योंकि यह जो 20 हर्ट्ज से जो है कम होता है, लेकिन यहाँ पर हम बात किए हैं कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो होगा उसे ही जो केवल मनुष्य जो है सुन सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। अब देखिए 20वां क्वेश्चन है, एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, सोनोग्राफी। और सोनोग्राफी में क्या होता है, तो प्राश्रव्य ध्वनि का जो है उपयोग जो है किया जाता है। अब देखिए 21वां क्वेश्चन है, डेसीबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो देखिए इसे पहले ही हम बता दिए कि डेसीबल का उपयोग किसके लिए किया गया था, तो वातावरण में ध्वनि की जो है तीव्रता मापने के लिए जो है इसका जो है उपयोग किया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। अब देखते हैं 22वां क्वेश्चन, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसीबल ध्वनि उत्पन्न होती है, तो अभी हम बात किए हुए थे कि देखिए फुसफुसाहट के लिए कितना होता है, तो 15 से 22 डेसीबल, और वही साधारण बातचीत करें तो क्या हो जाता है, 30 से 60 हो जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, लगभग जो है 30 डेसीबल। अब देखिए 23वां क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि जो है प्रदूषण स्तर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 45 डेसीबल। देखिए ये जो 45 डेसीबल से अगर ज़्यादा का जो है ध्वनि का आवृत्ति हो जाएगा, चाहे तीव्रता हो जाएगा, तो जो है ये जो है क्या हो जाता है, तो ये पॉल्यूशन का रूप ले लेता है, मतलब प्रदूषण का जो है ये रूप ले लेता है। ये 24वां क्वेश्चन है, किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 80 डेसीबल की जो है ध्वनि जो है बहुत ही हानिकारक ध्वनि कहलाती है, इससे जो है आपका कान भी जो है फट सकता है। अब आइए देखते हैं मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है, तो देखिए मनुष्यों के लिए जो है मानक ध्वनि जो है 25 जो है डेसीबल जो है होना चाहिए, इसलिए आप देखे होंगे कि मोबाइल फ़ोन के अगर हेडफोन होगा तो उसमें जो है नियंत्रित करने के लिए जो है नॉर्मल जो है वॉल्यूम जो है उसका ऑप्शन रहता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि का स्तर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 60 जो है डेसीबल। 26वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ध्वनि तरंग जो है एक जो है यांत्रिक तरंग है। अब 27वां क्वेश्चन है, कौन सी तरंग है जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती है, तो हमको पता है कि निर्वात में जो है ध्वनि जो है नहीं संचरण कर सकती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगा, यह जो है शून्य में जो संचरण नहीं कर सकती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब है 28वां क्वेश्चन, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, आयनोस्फीयर के द्वारा जो बेतार के तार का जो संपर्क जो है पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। अब 29वां क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणें क्या है, देखिए ये हम बता दिए हैं, ये जो है रिपीटेड हो गया क्वेश्चन मिस्टेक के कारण, जो है ये जो कॉस्मिक किरण जो है ये जो है उच्च ऊर्जा आवेशित कण है जो कि अंतरिक्ष में जो है लगभग प्रकाश की गति से जो है गमन करते हैं, और ये जो चुंबकीय स्पेक्ट्रम और यानी विद्युत चुंबकीय का जो है ये जो तरंग का जो है भाग नहीं है। 30वां क्वेश्चन है, परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में जो है इसका जो है उपयोग किया जाता है।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए 31वां क्वेश्चन है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए क्रिस्टल की संरचना को जानने के लिए जो है एक्स किरणों का जो है उपयोग जो है किया जाता है, और हम एक्स किरण के बारे में जो विस्तार से जो है पहले ही हम बता दिए हुए हैं। 32वां क्वेश्चन है, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है वो क्या प्रयोग करता है। तो देखिए जो रडार जो है शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है वो जो है रेडियो तरंग का ही जो है उपयोग करता है। और बात करें कि अगर रडार क्या है, तो रडार जो है एक प्रणाली है, इसके द्वारा जो है विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे रेडियो तरंग हुआ उसकी सहायता से जो है किसी भी वस्तु का जो है पता लगा सकता है कि वह कितने ऊंचाई पर है, किस दिशा में है और किस गति से जो है वह जा रही है। अब देखिए 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग जो है रात्रि दृष्टि के रूप उपकरण में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अवरक्त तरंग का जो है उपयोग जो है किया जाता है। 34वां क्वेश्चन है, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोवेव जो है एक जो है दूर संचार के लिए जो है सबसे प्रयुक्त जो है तरंगे हैं। ये 35वां क्वेश्चन है, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, क्या लाया जाता है। आप लोग भी सीटी स्कैन कराए होंगे, तो देखिए सीटी स्कैन करने के लिए जो है प्रयोग में जो है एक्स किरण का जो है उपयोग किया जाता है। अब बात करेगा कि एक्स किरण क्या है, तो एक्स किरण के बारे में जो हम बता दिए हैं। अब बात करेंगे कि सीटी स्कैन क्या है, तो देखिए सीटी स्कैन में जो है क्या होता है, जांच किया जाता है। और किसका जांच किया जाता है, तो शरीर के अंदर के हिस्सों को जो है देखा जाता है और पता लगाया जाता है कि शरीर के अंदर कौन सा रोग जो है हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चन थे, 35 क्वेश्चन थे, सारे को इसमें जो है हम एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर की बता दिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गुड नाइट।